अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में क्लास नंबर 10 इंग्लिश के जो प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है 2024 का, इसके पेपर को यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। इसके एमसीक्यू और ग्रामर पोर्शन ये कम्प्लीटली यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि स्टडी कर रहे हैं मैट्रिक में, तो वो भी अपनी तैयारी को सही तरह से कर पाएँ। तो सबसे पहले एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन चिल्ड्रेन एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ, दिस इज ओबेसिटी, बी ऑप्शन, ओबेसिटी मतलब मोटापा। सेकंड है, टू बाय सम सुवेनियर्स फ्रॉम रोड साइड शॉप्स दे स्टॉप्ड एट सेवन जमशोरो हैदराबाद हाला। तो ये हमारे पास जो है ना, वो विजिट टू गोरखहिल स्टेशन जो है, तो वो उससे एमसीक्यूज आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लिखा क्या लिखा हुआ है, वी स्टॉप्ड एट हाला टू बाय सम सुवेनियर्स फ्रॉम रोड साइड शॉप्स। ठीक है, तो हाला पर जो है वो ये रुके थे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाला। थर्ड है, अ बिजनेस टाइकून डिड नॉट हैव एनी वन ऑफ द दीज फॉर वर्क। एक बिजनेस टाइकून के पास Did not have anyone of these for work, काम के लिए इनके अलावा नहीं था कोई। ठीक है, मतलब ये बंदा नहीं था, प्लम्बर, कारपेंटर, सर्वेंट, शेफ। तो ये एम सी क्यूज देखें, यहाँ से है डिग्निटी ऑफ वर्क जो चैप्टर है, डिग्निटी ऑफ वर्क में। तो द स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकून हु डज नॉट हैव सर्वेंट्स फॉर डूइंग हिज वर्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सर्वेंट्स, सी ऑप्शन। फोर्थ है, वाइल स्लीपिंग मिस्टर करीम फेल्ट दैट समवन वाज पुलिंग हिज लेग पिलो ब्लैंकेट हेड। तो ये इसका हमारे पास हो जाएगा दिस इज, तो ये देखिए बैड ड्रीम्स है, ये एमसीक्यूज है। ही फेल्ट दैट समवन वाज पुलिंग हिज ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये बुक है, ये एमसीक्यूज है, तो ब्लैंकेट होगा यहाँ पर। फिफ्थ है, जूलिया कार्ने डाइड इन द ईयर डैश। जूलिया कार्ने जो एक शायरा है, वो किस ईयर में उनकी वफात हुई, तो 1908 में जूलिया कार्ने की वफात हुई। सिक्स से, द सेंट्रल आइडिया ऑफ लिटिल थिंग्स इज दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन। सेवन है, आई साउट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड इन दिस लाइन आई रिफर्स टू गॉड। एट है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल इज मोस्ट, लिटिल लेस और लीस्ट, लीस्ट होती है उसकी डिग्री। लिटिल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, लेस इसकी जो है वो हमारे पास होती है कंपैरेटिव डिग्री, और लीस्ट हमारे पास होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नाइन्थ, एलिजा कुक एलिजा कुक वॉज बॉर्न इन डैश। एलिजा कुक पैदा कब हुई। ठीक है, तो ये एलिजा कुक शायरा है जिन्होंने किंग ब्रूस ऑफ द स्पाइडर लिखा है। तो इनकी पैदाइश हुई 1818 में, 1818 में। टेंथ, इन द पोम स्पेक जेंटली द वर्ड मार मीन्स, मार का मतलब स्पॉइल कर देना, ठीक है, खराब करना। एलेवंथ है, मे यू लिव लॉन्ग दिस सेंटेंसेस, ये हमारे पास ऑपरेटिव सेंटेंस है, चूंकि दुआ है। ट्वेल्थ, इफ यू वोर डार्क ग्लासेस यू वुड प्रोटेक्ट योर आइज, द कंडीशनल सेंटेंस बिलोंग्स टू। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है, टाइप टू जिसको हम कहते हैं। थर्टींथ, एट द टाइम ऑफ दिस बैटल अवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन डिगिंग अ ट्रेंच, तो बैटल ऑफ खंदक की बात की जा रही है। फोर्टींथ है, फास्टिंग योर सीट बेल्ट कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग थ्रोन आउट। फिफ्टींथ है, द बेगर आल्सो सेड दैट दैट द हॉर्स वॉज हिज, दैट द हॉर्स ही वॉज, बेगर ने कहा कि उस घोड़ी की वजह से वो रैक्स में है या फटे पुराने कपड़ों में है। ये द बाइस कैलिफ से एमसीक्यूज आया है। 16th है, हु सैंड्स ऑफ लाइफ आर नियरली रन लेट सच इन पीस डिपार्ट, ये स्पीक जेंटली पोम की लाइन है। 17th है, डेविड बेट्स वाज बॉर्न इन देयर, डेविड बेट्स, इन्होंने स्पीक जेंटली लिखा है, इनकी पैदाइश हुई किस साल में, तो डेविड बेट्स 1809 में पैदा हुए थे। 18th है, दिस वर्ड डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ब जो एडवर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। 19th, द हॉर्स डिड दिस व्हेन द बेगर टच्ड द हॉर्स, इट्स नॉटेड एंड नीड विद प्लेजर, ये हमारे पास, नो सॉरी, स्नॉटेड तो रिच मैन के करने पर किया था ना भाई, तो विंस्ड, तो इट विंस्ड एस इज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ बेगर। 20 है, दिस काइंड ऑफ एसे एम्स टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ समथिंग और समवन, तो ये डिस्क्रिप्टिव एसे कहलाता है हमारे पास। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है, जो ग्रामर पोर्शन चुके मैंने बताया यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा परेशानी उसी में होती है। फर्स्ट है, यूज प्रेपोजिशन,
The hills were covered with snow. B. She is fond of reading novels. C. My sister is very good in painting. D. We are leaving for New York tomorrow. Second, I use article where necessary. She was an honorable woman. B. Pandas and tigers are both endangered animals. So, ye kuch nahi lagega, isme cross lagega. A. We went to a cafe after the movie and had coffee. कॉफ़ी जो मील है तो इसके पहले कुछ भी नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा. बी ए लॉस एंजलिस हैज डैश आइडियल क्लाइमेट, एन आइडियल क्लाइमेट. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थ्री है चेंज द वॉइस. फर्स्ट है हु बाउट दैट कार, तो इस तरह इसका हो जाएगा बाय होम दैट कार वॉज बाउट. B है दिस रिपोर्ट इज बीइंग रिटन बाय द फेमस हिस्टोरियन, तो ये पैसिव इसको एक्टिव करना है. तो द फेमस हिस्टोरियन, उसके बाद दिस रिपोर्ट इज बीइंग रिटन लिखा हुआ है ना, द फेमस हिस्टोरियन इज राइटिंग दिस रिपोर्ट. ठीक है, सी है बाय होम विल द थीव स्पीक आउट, ये हो जाएगा हु विल कैच द थीव्स, पैसिव से एक्टिव किया है, क्वेश्चन मार्क लगेगा. डी है द हॉर्स वॉज चेजिंग द डॉग वॉज चेजिंग द कैट, पास कंटिन्यूस का पैसिव है, एक्टिव बना हुआ तो पैसिव बनाएंगे. द कैट वॉज being chased by the dog. He let the birds not be caught. So, ye passive active isko bhi karna imperative hai. Don't catch the bird. F A, where will you keep this money? To ye ho jayega where will this money be कैप्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इसके बाद नरेशन है हमारे पास फोर्थ में, तो ए है आई सेड टू हर आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, ये हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट आई कुड नॉट, कैन नॉट है तो कुड नॉट हो जाएगा, आई कुड नॉट हेल्प her in this matter है, तो ये हो जाएगा in that matter. B, a passenger said to me please take me to the hospital now, ये हो जाएगा a passenger requested me, चूंकि imperative है, requested me to take him to the हॉस्पिटल देन. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं सी की तरफ. सी आस्क्ड मी इफ आई हैड ईटन डिनर हैप्पीली, ये पैसिव से एक्टिव करना है, तो ये हो जाएगा शी सेड टू मी, पैसिव से एक्टिव करना, सॉरी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है. तो आई हैड डिनर happily, I had eaten dinner na, to ye ho jayega did you eat dinner happily, full stop, uske baad question mark balki aayega aur inverted comma close hoga. D, she said alas my father is no more, exclamatory sentence hai to ye ho jayega she exclaimed with sorrow that her father was no more, that her father was no more. ठीक है, इसके बाद ई है रेहाना said to me will you stop interfering in my work, तो मुझे जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी उसमें.
देखते हैं। तो ये है रेहाना सेड टू मी विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क। तो यहां बना देता हूं। तो रेहाना आस्क्ड मी इफ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। उसके बाद एफ है द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज टू प्लग द फ्लावर्स। तो इसका हो जाएगा द गार्डनर, अब देखो फॉरबेड हो जाएगा, फॉरबेड द बॉयज टू प्लक फ्लावर्स। जी ही सेड टू हिम आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट योर टाइम नाउ। आई थिंक मैं यहां इसको नीचे कहां कर दूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ पाएंगे। जी यहां कर देता हूं, लिखा हुआ ही सेड टू हिम आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट योर टाइम नाउ। ये हो जाएगा ही told him that he do not hai na, to he did not like to waste his time, or now change kisme ho jayega then mein. Uske baad h hai, h mein kya hamare paas hai, indirect usko direct banana hai. Father asked me where I would go with my friends. To father सेट टू मी हो जाएगा ये, उसके बाद कॉमा इनवर्ट कॉमा, ये हो जाएगा वेयर विल यू गो विथ योर फ्रेंड्स, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नरेशन सारे हो गए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है दो हजार के अंदर, इफ ए है डज ही ट्राई टू राइड अ बाइक चेंज इन टू अफर्मेटिव। तो यहां से बस क्या हो गया, डस हट जाएगा और यह हो जाएगा ही, और ये ट्राई की जगह हो जाएगा ही ट्राइज टू राइड अ बाइक, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। बी है शी डिस्क्राइब अ वंडरफुल स्टोरी चेंज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये हो जाएगा शी इज डिस्क्राइब की जगह क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग, शी इज डिस्क्राइबिंग अ वंडरफुल स्टोरी। सी ही इज वेयरिंग अ न्यू शर्ट इन द असेंबली पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड, और वेयरिंग के थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉर्न। डी है दे डिड नॉट विजिट लाहौर विद हिज फ्रेंड, सिंपल फ्यूचर बनाना है। तो विल की जगह पर क्या हो जाएगा, विल, डिड की जगह पर विल हो जाएगा। ही हैड चेंज इनटू इंटरोगेटिव, अली डिड नॉट ब्रेक हिज प्रॉमिस। तो हो जाएगा डिड अली, यहां से नॉट हट जाएगा, ब्रेक हिज प्रॉमिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एफ ही सेड माई अंकल्स नेम is Asif Sheikh and he lives in London. Punctuate करना है। देखो H capital होगा सबसे पहले, तो फिर comma inverted comma आएगा, M capital होगा, uncle के बाद apostrophe आएगा, Asif का A capital हो जाएगा, Sheikh का S capital हो जाएगा, London का L capital हो जाएगा, ठीक है। और end से पहले भी हमारे पास comma आएगा, चूंकि दो coordinating conjunction है, और last में full stop आएगा, inverted comma close कर देंगे, तो ये punctuate हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट से शी डज नॉट पुट मी इन ट्रबल चेंज इन टू अफर्मेटिव। तो ये डज नॉट यहाँ से हट जाएगा, डज पहले आ जाएगा, डज शी पुट मी इन ट्रबल। एच है द प्रिंसिपल विल मेक हर स्पीच इन द एनुअल फंक्शन चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट। तो ये हैड हो जाएगा और मी की जगह पर क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। आई है ही हैज कट द स्नेक इन टू हाफ्स फ्यूचर कंटिन्यूस। हैज की जगह पर हो जाएगा विल बी, और कट की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कटिंग, ठीक है। एच ए ही यू फाउंड सम प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स इन द माउंटेन्स चेंज इनटू इंटरोगेटिव। यू फाउंड पास इंडेफिनिट है ना, तो ये हो जाएगा शुरू में डिड आ जाएगा, डिड यू फाइंड सम प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स इन द माउंटेन्स, ठीक है। के है ही ट्राइज न्यू आइडियाज ऑन वीकेंड चेंज इनटू नेगेटिव। तो ये ट्राइज की जगह पर ट्राई हो जाएगा, और शुरू में आ जाएगा डज, और लास्ट में आ जाएगा, बल्कि सॉरी हमें यहां पर करना है
क्या करना है भाई, यस हमें यहाँ करना है नेगेटिव, तो ये ही ट्राइज की जगह हो जाएगा ही डज नॉट ट्राई। इसके बाद एल है आर दे ट्राइंग टू हाइड देयर टिकट्स फॉर पाकिस्तान टू है पंक्चुएट, ए कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान का पी कैपिटल हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और बस ये चीज़ें होंगी। आई थिंक ये कोटेशन मार्क तो नहीं आएगा चूंकि डायरेक्ट स्पीच तो नहीं है ये, तो आर देयर ट्राइंग टू हाइड देयर टिकट्स फॉर पाकिस्तान टूर, बस ये पंक्चुएट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 2 मैंने इतने की, अभी और भी करता हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट है गिव प्रीफिक्स टू डैश रेलेवेंट, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाना है ना वर्ड, वो नया वर्ड बनाना है, तो ये हो जाएगा इररेलेवेंट। नेसेसरी तो ये अन लगा दोगे तो ये हो जाएगा अननेसेसरी। इसमें सफिक्स लगाना सर्वाइव तो ये हो जाएगा सर्वाइवल। चेयर तो ये फुल लगा दें उसके साथ चेयर फुल, तो दिस विल बी चेयरफुल। गिव होमोफोन्स एक्सेस, ये स्पेलिंग गलत है, डबल एस हो गया एक्सेस, तो इसका ये वाला होगा ई एक्स ई डबल एस एक्सेस। स्टेयर एक एस टी ए आर ई वाला स्टेयर होता है, मतलब घूरना। ठीक है, इसके बाद कैन इंडिकेट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, एडजेक्टिव की काइंड्स बतानी है अंडरलाइन वर्ड में। दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, तो दिस इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास इशारा कर रहे। माई सिस्टर बाउट सम फ्रेंच पेस्ट्रीज, तो सम भी यहां पर एडजेक्टिव है और ये चूंकि क्वांटिटी बता रहा है सो दिस विल बी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड, कलेक्टिंग कॉइंस इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, इंटरेस्टिंग तो ये हमारे पास जो है इंटरेस्टिंग, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम लोग एडजेक्टिव पे इस्तेमाल करते हैं। फोर है हुज पेंसिल बॉक्स इज दिस, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देयर हाउस इज बिग एंड ब्यूटीफुल, तो ये हमारे पास देयर आ गया तो दिस विल बी एक्चुअली पॉजेसिव, ये हमारे पास है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने ये सारे उसके टाइप्स देख लिए अलग अलग। फिर ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी पूछ रहे हैं, शी ऑफन विजिट्स टू द ऑर्फेनेजेस, तो ये हमारे पास होगा बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। सेकेंड है माई फादर वेंट आउटसाइड, ये हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड है वी लेफ्ट द रूम क्वाइटली, ये हमारे पास है दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ है मेक श्योर यू रिमाइंड हर टू टेक द ड्राई क्लोथ लेटर, ये हमारे पास है दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, लेटर मतलब बाद में। फाइव, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड दिस टाइम ऑफ द ईयर, एक्सट्रीमली कोल्ड, दिस इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, कुछ बच्चे इसी को एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं कुछ किताबों में, तो एक ही बात है। तो ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब हो गए। उसके बाद ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन करना होता है इसमें, इसमें ट्रांसलेशन के लिए ये कि मेरे पास जगह तो नहीं है जहाँ मैं पूरा लिख सकता हूँ, तो मैं बस उसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप उसको अपने पास इसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मोहतरमा फातिमा जीना हेल्प्ड कायदे आजम इन द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, कायदे मोहम्मद अली जीना ने कायदे आजम की मदद की पाकिस्तान के क्याम के जदोजहद में। शी लेफ्ट एंसेस्ट्री टू लिव विथ हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम, उन्होंने छोड़ दी डेंटिस्ट्री, अगर डेंटिस्ट्री को अगर हम उर्दू में कहें तो ये तो हो गया दंदान साजी। तो शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विथ हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम, उन्होंने दंदान साजी को छोड़ दिया ताकि वो रह सके अपने भाई के साथ और उनको सहारा दे सके। हर सपोर्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 28 ईयर्स इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनका ये सहारा जारी रहा तकरीबन 28 सालों तक, जिसमें आखिरी के 19 साल भी शामिल थे जो उनकी जिंदगी के थका देने वाले साल थे। थ्रू हर द मुस्लिम वुमेन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर एबल टू इंटरव्यू मोहम्मद अली जिन्ना एंड सीक हिज गाइडेंस, उनके जरिए बरसगीर की मुसलमान खातून मुसलमान खवातीन मोहम्मद अली जिन्ना का इंटरव्यू लेने के काबिल हो गई और उनकी रहनुमाई हासिल कर सकी। The grateful nation gave her the title of Madre Millat, which means mother of the nation.
मशकूर कौम ने, ग्रेटफुल मतलब होता है मशकूर, मशकूर कौम ने शुक्रगुजार कौम ने उन्हें दिया एक टाइटल, एक खिताब मादर मिल्लत का, जिसके मतलब होते हैं मदर ऑफ द नेशन, मतलब कौम की माँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। सेकंड भी है, रीडिंग इज अ वंडरफुल एडवेंचर दैट टेक्स अस टू डिफरेंट वर्ल्ड थ्रू स्टोरीज। पढ़ना एक हैरतअंगेज मुहिम है जो हमें मुख्तलिफ दुनियाओं तक ले जाता है कहानियों के जरिए। When we open a book, we enter a magical realm filled with characters and exciting events. जब हम एक किताब को खोलते हैं तो हम एक जादुई दुनिया में दाखिल होते हैं जिसमें भरे होते हैं किरदार और दिलचस्प वाकियात। It is like having a ticket to countless adventures without leaving our cozy space. ये एक ऐसे टिकट के जैसा है जिसमें हम अनगिनत मुहिम करते हैं अपने कोजी स्पेस, अपने सकून की जगह को छोड़े बिना। बुक्स ऑल्सो टीच अस न्यू थिंग्स एंड एक्सपेंड अवर इमेजिनेशन। किताबें हमें नई चीज़ें सिखाती हैं और हमारे तसव्वुरात को, तखय्युलात को बढ़ाती हैं। सो लेट्स ग्रैब अ बुक, डाइव इनटू दिस पेजेस एंड एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड इमेजिनेशन। तो एक किताब को पकड़ें और खो जाएं या डुबकी लगाएं उसके सफात में और शुरू करें एक सफर दरियाफ्त का और तसव्वुर तखय्युलात का या तखय्युल का। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। उसके बाद ये सेक्शन सी हमारे पास है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना होता है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, दैट्स सो इजी। तो ये कंप्लीट लेक्चर था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ग्रामर पोर्शन और एमसीक्यूज का, बेटर इंग्लिश का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को।